दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप भी एक प्रिंटर यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होगा प्रिंटर में अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका प्रिंटर यहाँ पे इंक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आपका प्रिंटर में प्रिंटिंग नहीं हो पा रही है या कलर मिसिंग हो रहा है, तो आप किस तरीके से ठीक करेंगे आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मैं एक प्रिंट यहाँ पे कमांड दे देता हूँ, यहाँ पे मेरा ब्लैक एंड व्हाइट कमांड देता हूँ, उसके बाद आप देख पाएंगे कि हमारे प्रिंट को किस तरीके से हमारा प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, या तो जो भी खराबी होगी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, इसे कैसे ठीक करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपके प्रिंटर में कोई भी इशू है तो मुझे डायरेक्टली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए देखिए, आप हमारा जो प्रिंटर है, प्रिंटर ने हमारा प्रिंट मतलब कि प्रिंट किया था, लेकिन हमारे इंक का कोई इशू था, इसकी वजह से ये हमारा प्रिंट नहीं आया। तो हमने ब्लैक एंड व्हाइट का प्रिंट कमांड दे दिया था, लेकिन यहाँ पे कोई प्रिंट निकल के नहीं आई है, मतलब कि प्रिंट का जो कलर है कहाँ पर मिसिंग है कुछ पता नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको बताएंगे, साथ में इसे कैसे ठीक करना है ये भी बताएंगे। चलिए इसको साइड में रख देता हूँ। अभी आप देख पाएंगे हमारे ये पेजेस है, तो ये पूरे कोरे पेजेस है, और इसको मैं फिर से एक बार इंसर्ट कर देता हूँ, और उसके बाद आपको फिर से एक मैं प्रोसेस बता देता हूँ। तो आइए मेरे पीसी के ऊपर, तो चलिए मैं फटाफट से फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। जैसे ही मेरा फोटोशॉप ओपन होता है तो कंट्रोल एंटर करके मैं A4 साइज़ का एक पेज ले लेता हूँ, और उसके बाद अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मैंने कोई टाइप कर लिया, कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद अभी आप देख पाएंगे Ctrl+P दबाने के बाद हमारी प्रिंटिंग का कमांड आ चुका है, तो यहाँ से हम प्रिंट देंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट निकल के आती है। जैसे हमने यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्रिंट दे दिए, अभी आप देख पाएंगे कि हमारा प्रिंट प्रिंटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको दिखाएंगे। तो चलिए, हमने प्रिंट दे दिए, यहाँ पे प्रिंट आ चुके। अभी आप देख पाएंगे हमने ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट दे दी थी, लेकिन यहाँ पे कोई प्रिंट आउट निकल के नहीं आया, मतलब कि फिर से आपको बता दूँ ये इशू है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ इसे ठीक करने के लिए आपको करना क्या होगा, कि आपको सबसे पहले एक बार चेक करना है कि आपके प्रिंटर में इंक अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि हमारे प्रिंटर में इंक ऑलरेडी हमने इंसर्ट की थी, डाल रखी थी, और उसके बाद आप देख पाएंगे हमारी इंक फुल है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी इंक ख़त्म हो गई है या नहीं है, उसके बाद आपको करना क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करके कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल लेनी है, और उसके बाद आप देख पाएंगे Ctrl+P करके आपको कमांड देना है। तो जैसे आप देख पाएंगे इस तरीके से आप आ जाएंगे इस पेज पे। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको मेंटेनेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, तो आपको करना क्या होगा, आप चाहे तो कोई भी ऑप्शन चॉइस कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपको क्लिक करना है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे नोजल चेकिंग हम एक बार क्लिक करके दिखाएंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से आपको प्रिंट करके निकल के आएगी। दोस्तों, जो भी कलर मिसिंग होगा तो आपको इस नीचे वाले ऑप्शन की तरह आपको दिखाई देगा, जो भी कलर आपके आ रहे होंगे तो आप देख पाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमारी प्रिंट निकल के आ चुकी है, और यहाँ पे कई सारे कलर मिसिंग आ रहे हैं, मतलब कि जो भी ब्लैक कलर है हमारा मिसिंग हो चुका है, आप देख पाएंगे। तो आप इसी तरीके से चेक कर सकते हो कि आपका जो कलर मिसिंग है इस तरीके से आपको दिखा देगा। तो दोस्तों, इसे ठीक करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपने नोजल चेकिंग कर लिया, उसके बाद आपका ये कलर इस तरीके से मिसिंग हो रहा है, तो आपको करना क्या होगा, तो चलिए आपको बता देता हूँ, बहुत आसान तरीके से आप ठीक कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है हेड क्लीनिंग वाले ऑप्शन पर, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से वेट करना है कुछ मिनट। दोस्तों, हेड क्लीनिंग करने से आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हेड में कोई इशू आता है तो इस तरीके से आप ठीक कर पाएंगे। आपके कलर में कोई इशू आ रहा है प्रिंट आउट लेने में, तो आप इसी तरीके से ठीक कर पाते हैं, तो आपको कोई यहाँ पे परेशानी होने की ज़रूरत नहीं। आप इस तरीके से ठीक करने के बाद, मतलब कि इस तरीके से करने के बाद आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। दोस्तों, इसी तरीके से आप करेंगे तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि सर हमारा एक प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ठीक कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपने कई बार इस तरीके से कर लिया है, पावर क्लीनिंग किया है, हेड क्लीनिंग किया है, नोजल चेकिंग किया है, लेकिन आपका इश्यू सॉल्व नहीं हुआ है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से ठीक करना है। दोस्तों, प्रिंटर को ठीक करने के लिए आपको कहीं भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही कर सकते हो।
तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ेगी जैसे कि आप देख पाएंगे, और उसके बाद आपको एक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो आप इस तरीके से देख पाएंगे, और दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, 3156 का मॉडल है हमारा। आपके पास कोई प्रिंटर और है तो भी आप कर सकते हैं। चलिए इस स्क्रू को हम रिमूव कर लेते हैं, आप भी इस तरीके से क्लिक कीजिए, रिमूव कीजिए। दोस्तों इस तरीके से फटाफट से मैं आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। दोनों स्क्रू को आपको रिमूव करना है, एक इस साइड पे होता है और एक इस साइड पे। दोनों स्क्रू को रिमूव करने के बाद आपको करना क्या होगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस तरीके से ठीक करेंगे, मतलब कि आप जो प्रोसेस करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आपको देख पाएंगे दोस्तों, अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको इस तरीके से रखना है ताकि आपका वो गिर ना पाए। दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे जो भी आपके टैंक है, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, जो भी आपकी जो भी इंक है, पावर होती है, सप्लाई होती है, मतलब कि जहाँ पे इंक आपकी जाती है वहाँ पे कहाँ पे इश्यू आ रहा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। दोस्तों अभी आप देख पाएंगे कि इस तरीके से आप यहाँ से इंक डाल सकते हो। दोस्तों आपकी इंक खत्म हो गई है तो आप सबसे पहले इंक डाल दीजिए और उसके बाद इस ढक्कन को लगा लीजिए। उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपके जहाँ पर इंक जाती है, मतलब कि यहाँ से सप्लाई होकर यहाँ से जाती है, तो आपको इसे रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको कोई यहाँ पे ज़्यादा छिड़कानी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से एक बार रिमूव करेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। आप यहाँ से कलर को चेक कीजिए कि जो आपका कलर मिसिंग हो रहा है तो यहाँ से आपको दिखाई देगा। दोस्तों आप इस डब्बी में जो कलर नहीं आ रहा होगा तो आप समझिए कि आपके जो टैंक में है कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लैंक है कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, मतलब कि कलर मिसिंग है, तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। तो जो भी आपके मतलब कि कलर यहाँ पे मिसिंग है तो आप इस तरीके से ठीक कर पाएंगे। तो करने के लिए आपको एक इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी जो आप यहाँ से लगाएंगे, और लगाने के बाद आपका आपको इस तरीके से बैक खींच लेना है, और इसी तरीके से आप एक बार कीजिए और उसके बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको कोई यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से इंजेक्शन को आप एक बार निकाल लीजिए आपका जो इंक है एक बार, और उसके बाद फिर से लगा लीजिए। जैसे ही दोस्तों आप इस तरीके से लगाएंगे तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी इंक सप्लाई हो चुकी है कि नहीं है। तो आपको फिर से एक बार एक प्रिंट निकाल के देख लेना है कि आपका सही हो चुका है कि नहीं है। तो अभी आप देख पाएंगे कि हमारा ये प्रिंटर सॉल्व हो चुका है, इसका प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। तो चलिए हम इसके साथ एक प्रिंट निकाल के दिखाई देते हैं आपको। तो आप देख पाएंगे ये हमारी एक पावती है, मतलब कि बिल है, तो इसको हम प्रिंट देते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकाल के आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारी प्रिंट आ चुकी है, हमारा प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, देख सकते हो दोस्तों हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। अभी आप देख पाएंगे हमारे प्रिंट निकल के आ चुके हैं, कोई इशू नहीं है, मतलब कि ब्लैंक कलर हमारा मिसिंग हो रहा था, ये प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला है, आपको जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे डायरेक्टली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी दे दिए वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिएगा और डायरेक्टली मैसेज भी कीजिएगा। तो चलिए मैं एक बार आधार कार्ड को प्रिंट करके दिखाता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड करके बताया। तो चलिए यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को डाल दिया, उसके बाद प्रिंट हो रही है और ब्लैक एंड वाइट ही हमने प्रिंट निकाल लिए ताकि हमारा जो प्रिंटर है और ब्लैक एंड वाइट का कलर मिसिंग बता रहा था, तो ये सॉल्व हुआ है कि नहीं है आप खुद देख सकते हो। तो हमारा ये आधार कार्ड प्रिंट निकल के आ चुका है। दोस्तों आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, इस तरीके से आप करोगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।